Hello friends, my name is Prakash and welcome to our YouTube channel WBST Cell Job. In our channel, available 100 plus video on jobs and careers and engineering video, motivational video, also available, technical video, just like a PLC, Scada and DCS. If you lover of watching video, you can subscribe the our channel. This way you never miss anyone. हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम प्रकाश है और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वह है आर सी सी क्या होता है और इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं किस एम्पेयर का यूज़ करना चाहिए सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा आर का मतलब होता है रेसीडिल करंट सर्किट ब्रेकर क्या है रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर यह क्या करता है कि अगर कोई भी लीकेज करंट फ्लो करता है तो वो ये क्या करता है आर ट्रिप कर जाता है आर सी सी ट्रिप का कोई भी लीकेज करंट जीरो पॉइंट फोर मिली पीयर से भी ज़्यादा अगर थोड़ा सा जीरो पॉइंट फोर मिलियम पियर से ज़्यादा करंट लीकेज फॉलो करता है तो क्या करेगा ये ट्रिप कर जाएगा मतलब कि अगर ये कोई भी लाइव वायर अगर किसी भी बॉडी के साथ मान लीजिए इंसान के साथ टच हो जा रहा है या अर्थिंग के साथ या ग्राउंड के साथ किसी के साथ भी अगर टच हो जाता है तो आर सी सी बी ट्रिप कर जाएगा इस कंडीशन में आर सी सी बी आपका नहीं उठेगा और आर सी सी बी का कनेक्शन जो होता है वो सिंपली होता है जैसे कि हम लोग का एम MCB का कनेक्शन होता है वैसे ही आर का भी कनेक्शन होता है हमको थ्री फेज इनपुट या सबका सिंगल फेज है तो सिंगल फेज इनपुट आप दे सकते हैं और आउटपुट इसका ले सकते हैं जैसे ये लाइन में आप कनेक्ट हो जाएगा इसमें आपको कभी भी लाइव बॉडी के साथ आप वायर में टच करते हैं तो ये ट्रिप कर जाएगा इससे क्या हो जाएगा इंसान को सेफ्टी मिल जाता है जिसमें कि, कि अगर आपको शौक लगने का डर कम हो जाता है इसमें शौक मिनिमम लगता है कि जैसे ही आपको आ, आप लाइव बॉडी को टच करोगे मतलब कि लाइव वाले वायर को टच करेगा ए आर सी सी ट्रिप कर जाएगा ये क्या है करेंट ऑपरेटेड डिवाइस है अगर लीकेज करंट फ्लो होगा मतलब कि कोई भी करंट है जैसे मान लीजिए कोई भी वायर है वो किसी भी जगह पे लीकेज मतलब कि किसी वायर से टच हो जा रहा है धरती से टच हो जा रहा है वाल से टच हो जा रहा है तो ये ट्रिप कर जाएगा उस समय आर सी नहीं उठेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कहाँ पे वो आर सी सी शॉर्ट है या कहाँ पे वो सटा हुआ ये सी आपको चेक करना है उसके बाद आपको आर सी सी बी को उठाना है और आर सी सी बी का यूज़ हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं ई एल सी बी का ई एल सी भी मार्केट में आया हुआ था लेकिन ई उतना नहीं चल पाया इसका कारण है ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस था और ये करंट ऑपरेटेड डिवाइस अगर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन किया जाता है कि आर और ई में अंतर क्या है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि आर क्या है ये आपका काम करता है कि करंट के ऊपर करंट ऑपरेटेड डिवाइस है और ई क्या है वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है ठीक है इसमें क्या होता है करंट अगर लीकेज करंट फ्लो होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा ई e एल में क्या होगा उसमें अगर वोल्टेज लीकेज वोल्टेज फ्लो करेगा तो वो ट्रिप कर जाएगा और जो मेजर डिसएडवांटेज था ई e एल का उसका मेजर डिस ये था कि ये लीकेज करंट जब वोल्टेज फ्लो होता था तब ये ट्रिप नहीं कर पाता था ठीक है ना ये ट्रिप नहीं कर पाता है क्योंकि सम कुछ वोल्टेज मिनिमम लो अगर लीकेज होता था तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था इस वजह से इसका डिसएडवांटेज था ये मार्केट में चल नहीं पाया तो जो मार्केट में जो ज़्यादा चलता है वो क्या है आर सी सी बी है अगर हाउस होल्ड में आपको कभी भी लगाना है तो आपको आर सी सी लगाना चाहिए एन सी सी बी के ऊपर आपको आर सी सी बी लगा सकते हैं पहले आर सी सी लगाइए उसके बाद उसका क... करेंट को लेकर आप एम में देने के बाद आप हाउस होल्ड में यूज कर सकते हैं इससे आपका शॉक लगने का खतरा एकदम कम हो जाएगा ठीक है